लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर आपसी सद्भाव, भाईचारा, सौहार्द अगर देखना हो तो भागलपुर की कालीचक खरादी टोला पन्ना मील वार्ड नंबर 45 में जरूर आए, क्योंकि हिंदू आस्था के सबसे बड़े पर्व छठ पर्व में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का काफी बड़ा योगदान है। काजीचक खादी टोला के रहने वाले बीबी यास्मीन, यासिया, मेहर, साजिया, नाजमा, आफताब ने गंगा जमुनी तहजीब को चरितार्थ किया है। कहा जाता है हिंदू धर्म में बद्धी का उपयोग ऐसे प्रसाद के तौर पर लोग करते हैं जो पूरे शरीर का रक्षा कवच माना जाता है और पूरे नेम निष्ठा और पाक साफ तरीके से तैयार करने में मुस्लिम महिलाओं का हाथ है। छठ पर्व में पवित्रता का विशेष महत्व है। जिस मुस्लिम परिवार की महिलाएं छठ पर्व के लिए बद्धी का निर्माण करती है उनके घर में एक महीने पहले से ही मांस और लहसुन प्याज खाना वर्जित हो जाता है। वो पाक साफ होकर हिंदू धर्म की आस्था पर विश्वास करते हुए पूरी नेम निष्ठा से बद्धी का निर्माण करती है। मुख्य रूप से महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सामाजिक सद्भाव और समरसता का ऐसा दूसरा उदाहरण सनातनी पर्व त्यौहार में नहीं दिखता। सभी जाति संप्रदाय के लोग पवित्रता और समर्पित भाव से एकाकार होकर आस्था के अथाह सागर में डुबकी लगाते नजर आते हैं। पवित्रता के बावजूद पूजन सामग्री बेचने और लेने वालों के भाव भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही भावों से लैस भागलपुर के दर्जनों मुस्लिम परिवार भी छठ पूजा के कार्यों में तल्लीनता से लगे नजर आते हैं। भागलपुर के काजीचक, लोहापट्टी, हुसैनाबाद, नाथनगर में तकरीबन 50 से 60 मुस्लिम परिवार महीनों छठ पूजा आने का इंतजार करते हैं। यह परिवार छठ पूजा में कच्चे बांस के बने सूप पर चढ़ाने वाली बद्धी का निर्माण करते हैं। दिल्ली और कोलकाता से कच्चा माल किरची धागा मंगवाकर पूरा परिवार बद्धी निर्माण में जुट जाते हैं। भागलपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम महिलाएं सूत की माला का निर्माण करती हैं। इसे बनाने के लिए काफी पहले से वो लोग जुट जाती हैं। भागलपुर की दर्जनों मुस्लिम परिवार की महिलाएं यह काम कई वर्षों से करती आ रही है। हम यह कह सकते हैं कि इनका यह काम पुश्तैनी है। वो बद्धी, अनंत डोरा, जितिया बंधन आदि का निर्माण भी करती है। पहले कच्चे माल को दिल्ली या कोलकाता से मंगाया जाता है, जिसमें धागा के रूप में किरची कहे जाने वाले धागे से बद्धी का निर्माण किया जाता है। महिलाएं व युवतियां मन लगाकर पाक साफ होकर नेम निष्ठा से यह कार्य करती हैं। बने हुए माल की सप्लाई भागलपुर के अलावे नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, मुंगेर, बांका जैसे इलाकों में बृहद पैमाने पर किया जाता है। बीबी यास्मीन कहती है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था का पर्व छठ पर्व है। साथ ही अनंत चतुर्दशी, जितिया पर्व एवं डोरा पर्व को लेकर हम लोग बरसों से बद्धी, अनंत डोरा, जितिया बंधन का निर्माण करते हैं और निर्माण करते समय हम लोग एक महीने पहले से मांस मछली और लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं। हिंदू धर्म के आस्था के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के एक ही भगवान हैं। हमें खुशी मिलती है कि हिंदू भाइयों के लिए हम लोग बद्धी का निर्माण कर पाते हैं, वो बद्धी जिसे हिंदू धर्म के लोग पूरे शरीर का रक्षा कवच मानते हैं। उस जगह बद्धी काट रहे हैं हम लोग, यहाँ ये काम बरसों से करते आ रहे हैं। अच्छा, और क्या रहे? क्या नाम है? आशिया। पूरा परिवार मिलके आप करते हो? हाँ सारे। हाँ सारे करते हैं, पिताजी के साथ, माँ के साथ। हाँ बरसों से हो रहा है। हाँ कैसा लगता है? ये आस्था का पर्व छठ पर्व है, कैसा लगता है ये काम करने? अच्छा लगता है। पर्व जो है हिंदुओं का है और हम लोग ये बनाते हैं माल। माल सूरत से आता है और पटना से, दिल्ली से, मतलब सिंगल माल आता है, किरची आता है। उन लोग को उसको हम लोग कटिंग करके सुगना करवाते हैं। जितिया बनता है मेरे यहाँ, छठ का बद्दी बनता है, आनंद डोरा बनता है, भगवा का डोरा बनता है। माल हम लोग भागलपुर सप्लाई मार्केट में देते हैं, होलसेलिंग। नवगछिया से आता है, नारायणपुर से आता है, बांका से आता है, पैकार लोग ले जाता है माल। और अपना रिटेलर भी है, करते हैं लोहापट्टी में, देवीलाल के यहाँ पर दुकान मेरा भी लगा हुआ है। कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? हमारा काम समझिए 50-60 वर्षों से चल रहा है, पुरखों से। बांका हुआ, नवगछिया हुआ, नारायणपुर हुआ, आपके इधर मार्केट यहाँ भागलपुर में, माल पटना से आता है। सब रोजगार करते हैं, ये बद्धी तो सबसे ज्यादा अच्छा है पर्व का, छठ पूजा का। क्या सब बनाते हैं? राखी है, आनंद है, जितिया है, फगुआ का डोरा है, सब सारा चीज बनता है यहाँ। कब से बना रहे हैं? परदादा के टाइम से, बहुत से है, बहुत समय से बन रहा है यहाँ। कैसा लगता है हिंदू का घर? हम लोग का सारा बना रहे हैं। हाँ
सारा रोजगार तो हम ही लोगन बनता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता है कि जो ये पर्व है वो हिंदू का पर्व है, हम लोग बना रहे हैं, तो कभी ऐसा लगा है आप लोगों को? कभी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। नहाए खाए के साथ लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ आज से प्रारंभ हो गया, जिसकी तैयारी को लेकर बाजारों में लोगों की भीड़ दिखने लगी। वहीं गंगा स्नान के लिए आज कद्दू भात के दिन सुबह से ही छठव्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बरारी पुल घाट, मुसहरी घाट, सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान किया। इसके बाद छठ पूजा के लिए अपने साथ गंगा जल भी लेकर गए। आज गंगा स्नान के बाद पूरे नियम निष्ठा से व्रतियों ने कद्दू भात बनाया और केले के पत्ते पर रखकर पूजा की गई। इसके बाद उसे ग्रहण किया गया। बताते चले कि बरारी पुल घाट से चंपानगर तक करीब 12 किलोमीटर एरिया में गंगा किनारे निगम व पूजा समिति की ओर से 46 घाट हर साल बनाए जाते हैं। इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए जहां बरारी पुल घाट के पास रिवर फ्रंट घाट पर स्मार्ट सिटी की टीम को काम करने लगाया गया, वहीं मुसहरी घाट पर गंगा का पानी होने के बाद भी 250 फीट लंबा कृत्रिम घाट स्मार्ट सिटी की टीम ने बनाया है। घाटों की स्थिति अभी भी सही नहीं है। 38 साल बाद घाट के पास गंगा मैया पहुंची है। इस बार छठ व्रतियों को अधिक नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। नहाए खाए के साथ सूर्योपासना के चार दिवसीय महापर्व छठ के अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है। इसमें नियम निष्ठा का खास ख्याल रखा जाता है। प्रकृति और संस्कृति से जुड़े पर्व में भागलपुर जिले की मुसहरी घाट पर गंगा जमनी तहजीब का रंग भी देखने को मिल रहा है। झाड़ू लगाते और साफ करते ये सभी मुस्लिम कौम के लोग हैं। छठ पर्व में धर्म मजहब से ऊपर उठकर मुस्लिम समुदाय के लोग निस्वार्थ भाव से घाट को साफ करने में लगे हैं। पिछले 9 साल से ये सभी छठ के मौके पर घाटों की साफ सफाई करने पहुंच जाते हैं, ताकि जब छठ व्रती घाट किनारे पहुंचे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ घाट के आसपास वाले रास्ते को ही पूरी तरह स्वच्छ बनाने में लगे हैं। साफ सफाई के माध्यम से ये सभी सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हम लोग छठ पर्व को लेकर मायागंज मुसहरी घाट में आप देख सकते हैं, जहां लाखों दुकान लगे थे, लाखों लोग यहां कल आए थे और कितनी गंदगी थी वो आपको अभी भी नजर आ रहा है। हम लोग उसी को साफ सफाई करके ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि छठ पर्व में साफ सफाई का विशेष महत्व है। और छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें कि सूर्य भगवान की पूजा होती है, और सूर्य भगवान का सेवा या फल या फायदा सब लोग लेते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो उसमें। और इसमें हमारे साथ सब मिल करके हिंदू भाई भी रहते हैं, इस बार टाइम नहीं मिल सका बोलने का, ऐसे उमेश शाह जी एक आदमी हैं, लेकिन और सब भी बहुत सारे लोग रहते हैं, हिंदू भाई लोग भी जब सफाई की बारी आती है तब कहते हैं हम लोग भी साथ में चलेंगे। विसर्जन का यहाँ कार्य होता है, उस दिन से हमारे वार्ड पार्षद 27 में जो पार्षद उमर चांद है उनका बहुत बहुत सहयोग रहता है। लाखों लाख यहाँ आते हैं श्राद्धालु, गंदा करके चले जाते हैं। जिस दिन नहाए खाए का पर्व होता है उस दिन वो यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान समुदाय मिलके साफ सफाई करते हैं और हर साल करते आते हैं, ऐसा नहीं कि इसी साल कर रहे हैं। भागलपुर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जान हाट मुख्य सड़क का है, जहां चाय दुकानदार श्याम शाह से अपराधियों ने 90,000 रुपए लूट लिए और उसकी पिटाई कर उसे घायल कर दिया। घायल चाय विक्रेता का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि सुबह चाय दुकान खोलने जा रहा था, उसी दौरान कारू उर्फ ब्लैक नाम का युवक उससे सिगरेट मांगा, जिस पर उसने उसे सिगरेट दिया और अपराधी के द्वारा 100 रुपये का नोट दिया गया। पैसा वापस करने के दौरान चाय विक्रेता ने पॉकेट से पैसे का बंडल निकाला, जिसे देख अपराधी चाय दुकानदार से मारपीट कर उससे पैसे छीन लिए और फरार हो गए। चाय विक्रेता का कहना है कि एक दिन पहले उसने घर बनाने को लेकर बैंक से 1,00,000 रुपये निकाला था और पैसे लेकर दुकान इसलिए गया था कि वो ईंट बालू और सीमेंट खरीद सके, लेकिन अपराधियों की नज़र पैसे पर पड़ गई और उसे लूट लिया। पीड़ित ने थाने में इसकी लिखित शिकायत भी की है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है। 4 बजे दुकान खोलने के लिए जा रहे थे, रोज हम चाय का दुकान खोलने के लिए प्रतिदिन 4 बजे जाते हैं। हम चाय दुकान खोलने जा रहे थे, रास्ते में एक जान पहचान का लड़का मिला तो हमको बोला कि चाचा सिगरेट है हमके जान पहचान का, तो हम सिगरेट दूठो मांगा, हम दिए, वो हमको 100 रुपये का नोट दिया, तो हम उसको भगाने के लिए पॉकेट से पैसा निकालने लगे। इसी बीच में मेरा वो नोट का बंडल देख लिया और हमको पटक करके छीन लिया। 2 आदमी था, एक तो था कारू ब्लैक नाम कहता है उसको, और हसनगंज घर है, और दूसरा है कारू बाप का नाम प्रकाश और घर कलबगंज, वो दोनों मिलकर हमको छीना।
90,000 रुपया था। थाना में केस किए हैं, मुजफ्फरपुर थाना में। हम शुक्रवार को 1,00,000 रुपया बैंक ऑफ इंडिया से निकाले थे कि शनिवार को बैंक बंद रहता है इसलिए काम कराना है, घर का काम करा रहे थे। 10,000 रुपया खर्चा किए थे, 90,000 रुपया पॉकेट में रख करके हम दुकान आ रहे थे। हमें पीठ पर कोई करने वाला नहीं है, तो हम सोचे थे कि वही पैसा से वहीं पर बालू वाला आता है, ईटा छड़ी सीमेंट वाला सब जाता आता है, तो उसको बालू ले लेंगे, सीमेंट वाले को बालू ईटा वाले को पैसा दे देंगे ताकि मेरा बैठे बैठे काम हो जाएगा। इसलिए हम पैसा पॉकेट में रख करके दुकान जा रहे थे। अब पता नहीं ये कैसे ले ली, छीन लिया अचानक ये हमसे ज़बरदस्ती। क्या नाम है? मेरा नाम है श्याम नंदन साह, घर है मिर्जान हट मधनी चेक लाइन पियाऊ के पास, और वहीं पर हमारे घर से 60-70 फीट की दूरी पर गली से निकलने के बाद हमसे वो ऐसा कांड किया।